ग्रेविटेशन पड़ रहा है, तो जो ग्रेविटेशन जो ऑर्बिट हम लोग ले रहे हैं, जो जो ऑर्बिट में घूमेगा हम लोग उसको सैटेलाइट मान रहे हैं, इसलिए पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट मान लेगा। इसको पीरियोडिक टाइम ऑफ प्लैनेट्स भी बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर प्लैनेट्स की अगर आप बात करेंगे तो प्लैनेट्स अगर घूम रहा है तो ही, अगर मान के चलिए मून अगर घूम रहा है अराउंड द अर्थ है ना, तो उसका भी पीरियोडिक टाइम ऑफ मून भी कहा जा सकता है, पीरियोडिक टाइम ऑफ प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। सो पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट हमारा सैटेलाइट के टर्म्स में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, अगर एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट अगर अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, तो सैटेलाइट को पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ के अराउंड में पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लग रहा है, उसको कहते हैं पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। सो पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट, कोई भी एक सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट एक पोजिशन से चालू हुआ मान के चलिए है ना, घूम के आया और यहाँ बीच में अर्थ है, घूम के आया और यहाँ तक, तो ये एक पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको कितना समय लगा, जितना भी समय उसको लगेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट, उसको कहते हैं पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। एक पोजिशन से चालू होगा, पूरा चक्कर घूम करके एक पूरे वापस अपनी पोजिशन पे आएगा, उसको कहेंगे हम लोग पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। और उसके लिए हम लोग इक्वेशंस भी देखेंगे, इक्वेशंस क्या होगी उसकी पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट्स के लिए। तो इसी चीज को पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट कहते हैं, चाहे यहां से चलो चाहे यहां से चलो, यहां से चलोगा तो यहां खत्म करनी पड़ेगी, यहां से चलोगा तो यहां से खत्म करनी पड़ेगी। सो दैट इज टर्म्स इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट, इसी को कहते हैं पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। और अगर इसी जो चीज मैंने अभी बोली हुई है उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, उसका डेफिनेशन बनेगा टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन है ये, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सैटेलाइट को कितना समय लगा, और सैटेलाइट किसके अराउंड में एक अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, अर्थ के अराउंड में। तो अर्थ के अराउंड में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। सो टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, यहां बीच में हमारी अर्थ है, ये अर्थ होगी और ये मान के चलिए ऑर्बिट हो गई हमारे यहाँ, और यहाँ एक पोजिशन है सैटेलाइट का, सो दिस योर सैटेलाइट मान के चले, सैटेलाइट यहां से चालू होगा, पूरा चक्कर घूम करके वापस यहां आएगा, तो ये पूरा चक्कर घूम के वापस आने के लिए उसको कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। और इसी का डेफिनेशन है पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट, द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। और वन रिवॉल्यूशन किसके अराउंड में कंप्लीट किया उसने, अर्थ के अराउंड में। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। क्लियर, समय वैसे भी कम लगेगा, तो इसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो लगने वाला समय उस
उसको पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट कहता है। तो अगर इसका स्पीड अगर कम है तो उसको ज्यादा समय लगेगा, अरे ज्यादा समय लगेगा ना। तो अगर मैं बात करूं यहां इसकी स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला होता है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख यहां से, अब मैं पीरियोडिक टाइम मेरे को लेना है, तो यहां से ये स्पीड है, स्पीड बोले तो देख ये सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे, अरे सैटेलाइट घूम रहा है ना। और कल हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा, क्या नाम था उसका, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या नाम था उसका, और क्रिटिकल वेलोसिटी याद कर, ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के वजह से सैटेलाइट घूमता हो, और क्या ये घूमेगा अराउंड में, और जो ये स्पीड है वो स्पीड क्या क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी, स्पीड क्या कहलाएगी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी। इसलिए स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, अबे स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, चले। तो स्पीड इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, क्यों, क्योंकि ये जैसी स्पीड से घूमेगा उसी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट द सैटेलाइट कैन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, उसी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, और यही इसका स्पीड भी कहलाएगा। सो दैट्स व्हाई स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, और अगर मैं यहां से डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि भैया देख सैटेलाइट यहां से चालू हो रहा है, एक पूरा सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है, ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है ना। तो सर्कमफेरेंस अगर कंप्लीट कर रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, और सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट क्या लिखा है, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट क्या लिखा जाएगा, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला ही भैया ना, 2 पाई आर। और आर कौन सा, कैपिटल आर की स्मॉल आर, क्योंकि रेडियस लेनी मेरे को ऑर्बिट की, तो स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, कौन सा लो, कैपिटल की स्मॉल। अच्छा, कैपिटल आर लेने से काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ, तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं घूम रहा है ना, ऑब्जेक्ट यहां घूम रहा है, इसलिए क्या लेंगे, स्मॉल आर। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। चल देखो, ये डिस्टेंस जो है हमारा 2 पाई आर, और स्पीड इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी यहां रखेंगे हम लोग, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी VC से डिनोट करें। सो VC इज इक्वल टू देखिए यहां डिस्टेंस कितना है तेरा, 2 पाई आर, कोई डाउट। नीचे टाइम ले ले जैसे कि वैसे, टाइम ही तो लेना है, और मेरे को पीरियोडिक टाइम निकालना है सैटेलाइट का, क्लियर। तो भैया देख यहां से, तो VC का इक्वेशन क्या होता है याद कर अच्छे से, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ VC, अंडर रूट ऑफ GM डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, GM डिवाइडेड बाय, क्लियर। चलेगा, अब यहां से ये VC इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय यहां रख दूं मैं, ठीक है। VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM डिवाइडेड बाय, अब बोले तू यहां का ये कहां से आ गया सर, तो हम लोग ने कल ही निकाला है इसको, ठीक है। ये वाली इक्वेशन यहां रख दूं मैं, तो देख इक्वेशन क्या बनी, सो दिस इज GM डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, चलेगा। अब जो इक्वेशन यहां बनी हुई है, इक्वेशन को देख, यहां अंडर रूट है, इधर कोई अंडर रूट है नहीं, ठीक है ना। अभी अंडर रूट है तो मैं दोनों जगह क्या कर दू, स्क्वेयरिंग, दोनों जगह क्या कर दू, चलिए दोनों जगह स्क्वेयरिंग करिए, बोल इक्वेशन बोल क्या बनेगी, इक्वेशन बोल क्या बनेगी, जीएम अपॉन आर इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगेन दिस इज जीएम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, स्टेक सभी का स्क्वायर ले ले यहां से, है ना, सभी का स्क्वायर ले, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये टी स्क्वायर हो गया, अरे कोई डाउट। चले अब यहां से ये आर को इधर भेज दो, तो ऊपर की नीचे आर अगर इधर भागेगा तो क्या ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो ऑलरेडी आर स्क्वायर बैठा हुआ है, तो आर क्यूब हो जाएगा, अरे होगा क्या, ठीक है। जीएम को इधर और टी स्क्वायर को इधर, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देख फट से इक्वेशन, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएम, उसकी समझा दे रहे, और ये आर क्यूब हो गया, अरे हुआ क्या, अरे हुआ क्या। चले अगर ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएम आर क्यूब, अब अच्छे से देखिए, 4 तो कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, जी का वैल्यू 6.67 होता है 10^-11, एम इज 6×10^24 के जी कली में बाद, तो ये सारी वैल्यू क्या हुई, सारी वैल्यू क्या हुई, हुई क्या कॉन्स्टेंट। तो अगर ये सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी तो मैं क्या कर देता हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के पुट कर देता हूँ, के इज कॉन्स्टेंट ये पूरा का पूरा, ठीक है, और ये रहेगा तेरा आर। तो वेयर के का वैल्यू क्या बनेगा, सो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तेरे को रीच हो गया। चले दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब
तो ये इसी इक्वल टू और ये k है, तो क्या वी कैन राइट हियर b स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, d स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड दिस d स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब इज अ केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स तो केप्लर्स थर्ड लॉ तो यही बताता है स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना, आपने स्क्वायर लॉ चीज से रट्टा मार के रखा होगा उसको भी, ठीक है, बट द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट फॉर अभी हम लोग समझेंगे कि केप्लर्स के तीनों लॉ के ऊपर इसके बाद भी देखने वाले हैं, तो आपको ये लॉ को कैसे बोलना होगा ये भी देखेंगे हम लोग, सो दैट मींस पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये कहां से बनता है, ये पीरियड ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ सेटल है, पीरियोडिक टाइम ऑफ सेटल, कोई डाउट यहां तक, अरे कोई डाउट है, चले अब यहां से ये तो समझ में आ गया कि भैया यहां तो केप्लर्स का पी स्क्वायर, ठीक है, और सामने चलते फिर से यही इक्वेशन तो हम लोग दोहराएंगे, अब यही इक्वेशन को दोहराने के बाद मैं इधर आ जाता हूं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूं यहां से, ठीक है, सुनो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm और ये r क्यूब, अगेन आई एम राइटिंग द सेम इक्वेशन, सो दैट इज 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm, ठीक है, एंड दिस इज r क्यूब, अब स्क्वायर इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सो अगेन दिस इज t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ देख इधर दिस इज 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm और बचा यहां तेरा r क्यूब, अरे कोई दिक्कत, चले बाहर पर निकलेगा 4 पाई स्क्वायर और बाहर निकलेगा 4 pi square बाहर निकलेगा तो 2 pi होगा, फिर 2 pi होगा ना, बचा देख क्या अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, आर क्यूब डिवाइडेड बाय गो डाउन, अब देख ये अब जी एम का वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूं, तो देख हम लोग ने कल जी एम का भी इक्वेशन बना दिया याद होगी तुम लोग, सो जी एम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एक जी एम बनाया था हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दो बनाए थे, एक यहां से देखें एक हम लोग ने हाइट पे बनाए थे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए और एक हम लोग ने बनाए थे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए, हम लोग ने दो जी एच बनाए, एक दो जी बनाए थे, एक जी और एक दूसरा जी एच, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरा जी एच बनाए थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दोनों इक्वेशन देख, दो इक्वेशन में अगर जी का इक्वेशन मैं बोलूं यहां तो जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो याद होगा तो अभी याद है क्या, ठीक है, और जी एच था तेरा GH is equals to GM divided, ये हाँ capital R square, यहाँ capital R square चाहिए, ठीक है, हाँ, so यहाँ capital R small R square, ठीक है, और वही तरह GH होता है, GH is equals to GM divided by R plus H का whole square, कुछ याद आया, अभी कुछ याद आया क्या, ठीक है, अब देख, अब satellite particular height पे है, तो satellite height पे है ना, तो इसमें से ये लो की ये, कौन सा लेना पड़ेगा, नीचे वाला, ठीक है, तो यहां से मैं ये जीएच ले लूं, सो जीएच यहां से मैं जीएम बनाऊं तो जीएम क्या हो गया रे, जीएम इज इक्वल टू जीएच इनटू आर प्लस एच का और वही आर प्लस एच का होल स्क्वायर क्या कहलाता है, जी एच, क्या ये स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, अरे वही स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, चले अगेन जीएम में कहां रखूं कहां रखूं, आ गया ये, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी, यहां जीएम में रख दूंगा तो यहाँ आ जाएगा जरा t is equal to this is 2 pi under root of ऊपर r cube है नीचे g h divided by r square आ गया, तेरे को कुछ नहीं समझा, ठीक है, यहाँ r cube है नीचे r square, बोल equation t is equal to 2 pi क्या बचा ऊपर r, नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, बात clear सभी के लिए, ठीक है, so this is the periodic time of satellite, this periodic time of, so this is periodic time of satellite, the satellite time taken by a satellite to complete one revolution around the earth, so that is called as periodic time of satellite, and this is the entire derivation for periodic time of satellite, ye periodic time of satellite se Kepler's ka tisra law bhi defined hota hai, and that t square is directly proportional to r cube, the meaning of t square is directly proportional to r cube, this t is a periodic time of satellite, ya periodic time of planets, so periodic time of planet hai, that is square is directly proportional to r cube, r cube matlab radius of orbit, uska kya rahega cube, theek hai, aur yehi equation hum log agar standard form pe likhenge to equation hamari banti hai t square is equal to 4 pi square divided by gm into r cube, so this is the equation for again periodic time of satellite, but in terms of this is square, ठीक है, और फाइनल इक्वेशन हम लोगों ने बनाया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय समझा, अरे समझा गया, चलिए देख लो इसको फट से।